कार्य को हम आगे बढ़ाने की इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ढेर सारे यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी आज लोकार्पण हो रहा है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम भी यानी ऑटो मोड पर आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि कभी आपका किसी ट्रैफिक सिपाही से विवाद हो गया, आपकी गाड़ी को देख करके जबरदस्ती वहां पे आपको रोक दे, अब तो एक ऑटो मोड पर होगा। आप चलिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए और अब उसमें कोई समस्या नहीं है। और वहां केवल ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए होगा, बल्कि बाहर सीकर उसको हम सेफ सिटी के साथ भी जोड़ेंगे। सेफ सिटी में हर व्यक्ति, हर बेटी, हर वाहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, यह कार्य भी इसके साथ यहाँ पर पूरा करके इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। विद्युत की आपूर्ति अनवरत बनी रहे, इसके लिए यहाँ पर विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण होने के साथ ही तमाम अंडरपास और सड़कों के चौड़ीकरण, इन सभी कार्यक्रमों को के साथ ही यहाँ पर चिल्लन पार्क का लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहाँ पर हो रहा है। तो जिन क्षेत्रों के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और खासतौर पर महिलाओं के लिए रेडीमेड गार्मेंट्स उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा क्षेत्र बन सकता है। और मैं यूपी सीधा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्लेटेड फैक्ट्री का एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया। आगरा, कानपुर, गोरखपुर और यहां पर भी ये प्लेटेड फैक्ट्री सूरत कुंड में, कासना में यह फैक्ट्री प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ इस सुविधा को यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य यूपी सीधा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हजारों बहनों को इसके माध्यम से कार्य मिल सकता है और रेडीमेड गार्मेंट्स के माध्यम से हम लोग देश और दुनिया के अंदर यहां के बहनों के कौशल को उनके सामने प्रस्तुत करने का कार्य यहां के माध्यम से करने में हमें मदद मिलेगी। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही ढेर सारी अन्य परियोजनाओं को आज यहां पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भाइयों बहनों, जब निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में, देश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में गौतम बुद्ध नगर जनपद की पहचान हो रही है, यहां की अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस के द्वारा किया जाने वाला कार्य आज न केवल अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बल्कि स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जुड़े हुए जो हमारे तमाम 17, चाहे वह सेंट्रल के द्वारा या स्टेट के द्वारा, सेंट्रल या स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए उन सभी नगर इकाइयों को, नगर निकायों को भी इस दिशा में एक नई प्रेरणा मिल सकती है कि कन्वर्जन के माध्यम से और स्वयं भी अपने स्तर पर हम लोग कैसे अपने राजस्व के स्रोतों को आगे बढ़ा करके एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल डेवलपमेंट का बना सकते हैं। यहां पे तीनों अथॉरिटी अपने स्तर पर अपनी उन वहां पर विकास का मॉडल भी खड़ा करते हैं, औद्योगिक वातावरण भी बनाते हैं और जन सुविधाओं के साथ ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाने में अपनी मदद करते हैं। यह अपने आप में एक अच्छा मॉडल है और डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इस मॉडल को अगर अपने यहां उतारेगी तो उसका बहुत सारा लाभ उन अथॉरिटीज को भी मिलेगा और वे सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के रूप में सरकारी सहायता के लिए उन्हें शासन के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। शासन से मिलने वाली सहायता उन्हें अतिरिक्त रूप से आगे बढ़ाने में मदद कर पाएगी। भाइयों बहनों, आज 1670 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं एक बार फिर से गौतम बुद्ध नगर जनपद के अपने माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को और जनपद के पूरे निवासियों को एक बार फिर से बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि विकास की परियोजनाओं के लिए पूरे जनपदवासी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विकास की एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ा करके प्रत्येक के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देते हुए पानी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। निशब्द है, अभिभूत है, अनुग्रहित है महोदय।
महोदय आपके आशीर्वचनों से और आपके आगमन से। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ग्रेटर नोएडा प्रांत तमाम महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई। नॉलेज पार्क से सीएम योगी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहां पर वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का।